नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स फन टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube के ऑटोमेटिक सबटाइटल्स के ऊपर। फ्रेंड्स, सबटाइटल्स के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने वीडियोज़ में सबटाइटल ऐड करते हैं तो आपकी वीडियो वैसे व्यूअर तक भी पहुंच पाती है जो लोग आपकी साउंड और आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो आपकी वीडियो वर्ल्ड वाइड में देखी जा सकती है, और सबटाइटल्स की जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वीडियो को रैंक कराने में मदद कर सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने वीडियोज़ में सबटाइटल ऐड करते हैं तो आपकी वीडियोज़ की ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ सकती है। ये कैसे बढ़ सकती है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपकी वीडियो किसी अदर कंट्री में देखी जा रही है और जो व्यूअर देख रहा है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है। अगर आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग है तो वो सबटाइटल्स को पढ़ के आपकी वीडियो को समझने की कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे में कोई भी व्यूअर आपके वीडियो पर अपना ज़्यादा टाइम देगा, उसकी अटेंशन आपकी वीडियो पर ज़्यादा रहेगी। आप समझ गए होंगे। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है मोनू और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन टेक में। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इनेबल कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ से मैं अपने क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ से अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। अब YouTube स्टूडियो की डैशबोर्ड ओपन हो चुकी है, देन यहाँ से कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट में आपकी सारी वीडियो दिख जाएगी। यहाँ से आप अपने जिस वीडियो में सबटाइटल ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू वीडियो अपलोड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको डिटेल्स वाली पेन वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे सबटाइटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप हिंदी ऑटोमेटिक, यानी कि जब मैं वीडियो अपलोड किया था 29 अप्रैल को, उसी दिन यहाँ पे ऑटोमेटिक सबटाइटल ऐड हो चुकी थी। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहाँ पे आपको इंग्लिश भी दिखाई देगी। फ्रेंड्स, ऐसे ऑटोमेटिक सबटाइटल्स की फीचर हिंदी लैंग्वेज के लिए पहले नहीं थी, ये न्यू अपडेट के बाद ऐसा हुआ है। सबटाइटल्स को आपको चेक करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपको डुप्लीकेट एंड एडिट पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ जो सबटाइटल्स ऐड हो चुकी है ये ऑटोमेटिक है और इसमें मैंने कोई भी करेक्शन अभी तक नहीं किया है। ये सबटाइटल्स तो ऑटोमेटिक जनरेट हो चुकी है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड सबटाइटल्स, यहाँ से टेक्स्ट को क्लियर करके अपना सबटाइटल खुद का ऐड करना चाहते हैं तो खुद से भी ऐड कर सकते हैं, बट खुद से ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी को एडिट कर सकते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो। बात करें फ्रेंड्स इसकी एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी पूरी आपके साउंड पे डिपेंड करती है। आपकी साउंड जितनी क्लियर रहेगी इसकी एक्यूरेसी उतनी बेहतर रहेगी। ओके, एडिट टाइमिंग के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक टाइमिंग इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस लैंग्वेज, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटिक टाइमिंग सपोर्ट नहीं करती है। बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप सिंपली इसे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक टाइमिंग के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ से आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी जो कि वीडियो की लैंग्वेज है और 1 जुलाई जो कि आज का डेट है, क्रिएटेड बाय पब्लिशर, यहाँ पे क्रिएटेड बाय कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक थी। अगर आप इस सबटाइटल को देखना या फिर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एडिट पे क्लिक करना है। ओके, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सबटाइटल्स स्टोरी के फॉर्मेट में थी अब यहाँ टाइमिंग के साथ यहाँ आपको दिख रही है, ठीक है। वहाँ आपको दिख रही थी कि ऑटोमेटिक टाइमिंग इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस लैंग्वेज, बट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ टाइमिंग ऐड हो चुकी है। ओके, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ देर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि सबटाइटल्स की एक्यूरेसी कैसी है, ठीक है। दोस्तों, अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही कोविड वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन इतने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोविड वैक्सीन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है कुछ एरर्स हो जो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सबटाइटल्स है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसे आप इजीली एडिट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे में यहाँ तो आ चुका था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया, और यहाँ से अगर नॉर्मली टाइप करते तो यहाँ इंग्लिश टाइपिंग होती है, तो इसके लिए आपको हिंदी इंडिक इनपुट टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलो तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा,
मैंने जो हिंदी लैंग्वेज की टूल इंस्टॉल किए हैं उसका यहाँ पे मैं यूज़ करके यहाँ पे हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए एक शॉर्टकट की अल्ट और शिफ्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश इंडिया और हिंदी। सो ये फ्रेंड्स हिंदी इंडिक इनपुट टूल 3 के कारण ये ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जो भी टाइप करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा RAAM राम, जैसे अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती तो भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी इंडिक इनपुट टूल की मदद से, ओके। जैसे कि ये कोविड है तो कोविड यहाँ द आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से मैं उसे डॉ कर दूंगा, ठीक है। देन आप सारा सबटाइटल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ भी कुछ एरर आपको दिखेगी आप उसे अपडेट कर लें और उसके बाद यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये पब्लिश हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और भी लैंग्वेज ऐड करना, ये तो हिंदी थी, उसके बाद अगर चाहते हैं आप इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो यहाँ आप मल्टीपल लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे लैंग्वेज आपको दिख जाएगी, यहाँ से पूरी लैंग्वेज की लिस्ट आपके सामने निकल जाएगी। इसमें से आपको जो भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करना है आप इजीली ऐड कर पाएंगे, ओके। सपोज मैंने यहाँ से आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से इंग्लिश इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश ऐड हो चुकी है, और यहाँ से मुझे ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइप मैनुअली और ऑटो ट्रांसलेट, आपने देखा ही मैंने ऑलरेडी एक हिंदी सबटाइटल ऐड किया ही है, तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट का जो फीचर है इसको यूज़ करके मैं सीधे यहीं से अपने सारे सबटाइटल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितने भी सबटाइटल्स हैं सारे सबटाइटल्स आपको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट मिल जाएंगे, ओके। इसे आप एक बार चेक कर सकते हैं, ओके। और जब लगे आपका कि सारा चीज़ अगर सही, तो यहाँ से आप सीधा पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, और आप इसमें और आपने और फ्रेंड्स आप इसमें जितने भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं इजीली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑटो ट्रांसलेट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नई वीडियो अपलोड करते टाइम भी आप ऑटोमेटिक सबटाइटल्स को यूज कर सकते हैं, बट उसमें अपलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम जो वो सबटाइटल्स जनरेट हो रही होती है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप चेक करते रहिए, 5 से 10 मिनट के बाद आपका सबटाइटल तैयार हो जाएगा और आप उसे एडिट करके पब्लिश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अपने जिन फ्रेंड्स को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।